किसी गांव में रेचल नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए रेचल की माँ लड़कियों का मेकअप किया करती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्यूटी पार्लर खोल सके, इसीलिए वो घर पर ही लड़कियों का मेकअप कर दिया करती थी। रेचल अपनी माँ से मेकअप करने का हुनर सीखा करती थी। लेकिन फिर एक दिन दुर्भाग्यवश रेचल की माँ बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। बेटी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मैंने तुझे मेकअप करने का हुनर सिखाया है, उसे तू अपना गुजारा करना। बेटी, हमारी ईमानदारी और सच्चाई ही हमारे सबसे बड़ी दौलत होती है। तू हमेशा अच्छाई की राह पर चलना और लालच में आकर कभी किसी को धोखा मत देना। हाँ माँ, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रेचल अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक रेचल की माँ के प्राण छूट जाते हैं। इस तरह रेचल पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालती है। माँ के गुजरने के बाद रेचल लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, सुनो, कल मेरी शादी होने वाली है। मैं बहुत गरीब हूँ, शादी की तैयारी में सारे पैसे खर्च हो गए। मेरे पास मेकअप करने के लिए एक रुपए भी नहीं है। मदद के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा मुफ्त में मेकअप कर दूंगी, क्योंकि गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चलो बैठो। तभी रेचल अपना मेकअप बॉक्स खोलकर देखने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत ही थोड़ा मेकअप बचा है। आज तो मुझे नंदिनी मैडम का मेकअप करना है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इस लड़की का मेकअप कर देती हूँ। उसके बाद रेचल उस लड़की का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इस बात से खुश होकर वो लड़की रेचल को गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ नंदिनी मैडम आ जाती है। उस गांव की एक धनी औरत थी वो। चल जल्दी मेरा मेकअप कर। नंदिनी मैडम, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसीलिए मैं अभी आपका मेकअप नहीं कर पाऊंगी। आप किसी दूसरे पार्लर में जाकर मेकअप करवा लीजिए। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि आज मुझे मेकअप करवाना है, और अब तू मुझे बता रही है कि तेरे पास मेकअप नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, चल मेरा मेकअप कर। मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल एक गरीब लड़की मेरे पास आई थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसका मेकअप कर दिया। ये देखिए, मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तेरी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। नंदिनी फौरन अपने घर पर फोन करके नौकरों को बुला लेती है और उनसे रेचल के घर को पूरी तरह तुड़वा देती है। अपने घर को टूटा हुआ देख रेचल फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उस दुष्ट औरत ने मेरा घर तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब तो मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद बेचारी रेचल एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगती है। फिर एक दिन रेचल के पास वही लड़की आती है जिसका कुछ दिनों पहले रेचल ने मुफ्त में मेकअप किया था। रेचल, आखिर तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रेचल रोते हुए उस लड़की को अपनी आप बीती बता देती है। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खास तरह का मेकअप का बॉक्स लेकर आई हूँ। इसके अंदर अलग अलग रंग के जादुई अंडे हैं। इनसे तुम किसी को भी खूबसूरत बना सकती हो। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, इनसे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर तैयार कर लेना। इससे पहले कि रेचल उस लड़की का शुक्रिया अदा कर पाती, अचानक वो लड़की वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रेचल को कुछ समझ नहीं आता।
उसके बाद रेचल उस लड़की के द्वारा दिए गए पैसों से एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर तैयार कर लेती है। थोड़ी देर के बाद एक औरत अपनी बेटी को लेकर वहां आती है। सुनो लड़की, वक्त से पहले ये अचानक मेरी बेटी के बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। इसका चेहरा देखो, ये भी बदसूरत बन गया है। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या तुम अपने मेकअप से इसे खूबसूरत बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करके देखती हूँ। उसके बाद रेचल मेकअप बॉक्स से एक जादुई अंडा निकालकर उस लड़की के सर के ऊपर फोड़ देती है और अगले ही पल अंडे की शक्ति से लड़की के सारे बाल सफेद से काले और सुंदर बन जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और रेचल के मुंह मांगे पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से रेचल जादुई अंडों की मदद से लड़कियों को खूबसूरत बनाकर अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन अचानक उस गांव में तेज भूकंप आता है और लोगों के घर पूरी तरह टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, यहाँ तक के उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता। दूसरी तरफ नंदिनी का घर बहुत ज्यादा बड़ा और मजबूत था। भूकंप का उसके घर पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग मदद मांगने घमंडी नंदिनी के पास जाते हैं, लेकिन नंदिनी सभी लोगों को डांटकर भगा देती है। रेचल को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलवाकर उन्हें मुफ्त में खाना खिलाने लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में रेचल के पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब मैं गांव वालों को खाना कैसे खिलाऊंगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वो लड़की दोबारा रेचल के सामने प्रकट होती है। चिंता मत करो रेचल, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। उस दिन तुम भी अचानक गायब हो गई थी, आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगले ही पल वो लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मैं परी देश की परी हूँ, मुझे लोगों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत ही ईमानदार और सच्ची हो, तुमने निस्वार्थ भावना से सबकी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर को पूरी तरह जादुई ब्यूटी पार्लर के रूप में बदल रही हूँ। लोगों का मेकअप करने के साथ साथ तुम उन्हें रोज पेट भर खाना भी खिला सकती हो। फिर अगले ही पल पार्लर में ढेर सारे अनाज की बोरियां प्रकट हो जाती हैं। ये अनाज की बोरियां कभी खत्म नहीं होंगी, तुम इसी तरह लोगों की सहायता करते रहना। उसके बाद परी वहां से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद से रेचल ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ गरीब लोगों को रोज मुफ्त में खाना भी खिलाने लगती है। इस तरह लोगों की भलाई करते हुए वो हंसी खुशी रहने लगती है। फिर देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर जलकर राख हो जाता है। उसके बाद सुमित्रा परी ने अमीर और गरीब परियां सर ले जाकर उनके दर से जोड़ देती है। ये देख नैना और सुनैना बहुत खुश मना रही थी। उसके बाद वो दोनों सुमित्रा परी का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौटते हुए डांस कर रही थी। दिनों बाद दोनों बहनें खूबसूरत बेटियों को रहने वाली तारा परी को ये देख बहुत जाता है। दोनों अपने परिवार के साथ परियों ने तो जीना हराम कर रखा है, जब देखो तब शोर मचाकर मुझे परेशान करती हैं। हाँ तारा, तूने सही कहा, एक गरीब परियों की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनकी वजह से तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, चलो आज इन्हें सबक सिखाते हैं। उसके बाद दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी घुमाकर दीपा परी और उसकी सहेलियों के ऊपर गर्म पानी की बारिश करने लगती हैं। अरे मर गई रे, मेरा शरीर जल गया, अचानक गर्म पानी की बारिश कहाँ से आ गई? आसमान से गर्म पानी की बारिश कैसे हो सकती है, जरूर ये कोई जानबूझकर कर रहा है। तभी दीपा की नजर तारा और रीटा परी पर पड़ती है। अच्छा तो इन्होंने हमारे ऊपर गर्म पानी की बारिश करवाई है, इनकी वजह से मेरा जन्मदिन खराब हो गया और हमारा शरीर भी जल गया। ये अमीर परिया बहुत घमंडी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। चलो आज इन्हें सबक सिखाते हैं, वरना ये इसी तरह हमें परेशान करती रहेंगी। उसके बाद दीपा अपनी सहेलियों को लेकर तारा परी के घर पहुंच जाती है।
फिर दीपा परी तारा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। देखते ही देखते अमीर और गरीब परियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां से गुजर रही रानी परी ये सब देख लेती है। ठहर जाओ तुम सब, आपस में क्यों लड़ रहे हो? दीपा परी रानी परी को तारा और रीटा की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। अच्छा तो ये बात है, देखो तारा, अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम गरीब परियों को परेशान करो। आगे तुम सबके बीच में कभी लड़ाई ना हो, इसीलिए मैं अमीर और गरीब परियों का बंटवारा करती हूँ ताकि परी देश में शांति कायम रखे। उसके बाद रानी परी अमीर परी और गरीब परियों के घरों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दीपा परी परिदेश के जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, तभी उसे ठंड से कांपता हुआ एक बौना दिखाई देता है। दीपा को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद दीपा उस बौने को एक गरम कंबल दे देती है। और मुझे ठंड से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम जंगल में क्या कर रहे थे? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं एक जादुई बौना हूँ, यहाँ से दूर पहाड़ी पर मैं रहता हूँ। अगर तुम जादुई बौने हो तो तुम्हारे पास ढेर सारी शक्तियाँ होंगी, फिर तुम ठंड में क्यों कांप रहे थे? वो इसीलिए क्योंकि मेरी जादुई शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम करती हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है तुम आप ये कंबल ओढ़कर आराम करो वरना तुम्हें सर्दी पकड़ लेगी। उसके बाद वो बौना कंबल ओढ़कर सो जाता है। फिर रात होते ही जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी जादुई शक्ति से दीपा परी के छोटे से घर को एक बड़े आलीशान घर में बदल देता है। अरे वाह, तुम्हारी शक्तियाँ तो सच में कमाल की हैं। तुमने मेरे मामूली घर को इतने सुंदर घर में बदल दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी दूसरी गरीब परियां भी वहां आ जाती हैं। दीपा उन सभी परियों को बौने के बारे में बताकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। दीपा परी के घर को देख वो सभी परियां बौने से विनती करने लगती हैं कि वो उनके घर को भी बड़ा और सुंदर बना दे। बस फिर क्या था, वो अपनी जादुई शक्ति से एक एक कर सभी परियों के घरों को सुंदर घरों में बदल देता है। दूसरी तरफ ये नजारा देख तारा की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, ये जादुई बौना तो बहुत शक्तिशाली है, इसने तो गरीब परियों के लिए हम अमीर परियों से भी सुंदर घर का इंतजाम कर दिया। मुझे किसी भी तरह इस बौने को पकड़ना होगा, उसके बाद मैं इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके परी देश की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी। फिर करीब आधी रात को बौना दीपा और बाकी परियों को अलविदा कहकर अपने घर की ओर चल देता है। लेकिन तभी रास्ते में तारा परी अपनी सहेली रीटा परी के साथ मिलकर उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और मुझे क्यों पकड़ रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू चुपचाप हमारे साथ चल, आज से तू हमारा गुलाम है और तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे लिए करेगा। उसके बाद तारा जादुई बौने को अपने घर ले जाती है। चल जल्दी से मेरे लिए ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती हीरे प्रकट कर वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तारा की बात सुनते ही जादुई बौना चुटकी बजाता है और अगले ही पल तारा और रीटा के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं। अरे मर गई रे, कोई बचा मुझे, ये बौना तो बहुत ही खतरनाक निकला। अरे ये तो हम दोनों को जलाकर मारना चाहता है, जल्दी कुछ करो तारा। लेकिन तभी बौना उन दोनों की जादुई छड़ी को तोड़ देता है। देखते ही देखते तारा के घर में आग लग जाती है और उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ तारा और रीटा दोनों चुड़ैलों की तरह बदसूरत बन जाती हैं। मैंने तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा दी है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद बौना हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से रीटा और तारा फिर दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करती। सभी गरीब परियां खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले परिदेश में खुशबू नाम की एक गरीब परी अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी रानी परी के महल में नौकरानी का काम करती थी। खुशबू परी बहुत ईमानदार और मेहनती थी।
रानी परी उसके काम से बहुत प्रसन्न थी। फिर कुछ समय बाद खुशबू की माँ उसकी शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो खुशबू को अपने पास बुलाती है। मैंने सुना है खुशबू तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें उपहार के तौर पर ये जादुई झुमके दे रही हूँ, इन्हें तुम अपनी शादी में पहनना। झुमकों को पहनने के बाद तुम्हारे शरीर पर सुंदर शादी के जोड़ा के साथ साथ ढेर सारे गहने भी प्रकट हो जाएंगे। वो जादुई झुमके बहुत ही सुंदर और कीमती थे। उन्हें पाकर खुशबू बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन खुशबू अपनी सहेली को झुमके दिखाने लगती है। अरे वाह खुशबू, तेरे झुमके तो बहुत सुंदर है, ऐसे झुमके तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। हाँ लगता है ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। तेरे पास इतने कीमती झुमके कहाँ से आए? ये झुमके मुझे रानी परी ने दिए हैं। अब मैं अपनी शादी के दिन इन झुमकों को पहनूंगी। रानी परी ने कहा है कि इन्हें पहनने के बाद मेरे शरीर पर सुंदर कपड़ों के साथ साथ ढेर सारे गहने प्रकट हो जाएंगे। सच में खुशबू तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतने अच्छे जादुई झुमके मिले हैं। अरे लगता है रात होने वाली है और मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर खुशबू परी अपने घर की ओर चल देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ कंगना नाम की एक अमीर परी खुशबू को और उसकी सहेलियों की सारी बातें सुन लेती है। अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैंने अपने लिए जो झुमके खरीदे हैं वो झुमके रानी परी के दिए हुए झुमकों के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे किसी भी तरह खुशबू से जादुई झुमके हासिल करने होंगे। उसके बाद कंगना परी अपनी एक सहेली को फोन करके वहाँ बुला लेती है। फिर वो दोनों खुशबू परी का पीछा करते हुए उसे एक मोड़ पर रोक लेते हैं। सुन खुशबू, मुझे पता है तुझे रानी परी ने जादुई झुमके दिए हैं। चल सीधी तरह वो जादुई झुमके मेरे हवाले कर दे, वरना तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत खतरनाक हूँ। तू चाहे जो भी हो, मैं तुझे अपने झुमके नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से, वरना मैं महल के सिपाहियों को बुलाकर तेरी पिटाई करवाऊंगी। अरे कंगना, लगता है ये बहुत सिद्धी है, तेरी धमकी का इस पर कोई असर नहीं हुआ, हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ तूने सही कहा, लगता है ये मार खाने के बाद ही हमें झुमके देगी। उसके बाद कंगना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक बेलन प्रकट कर देती है। फिर वो बेलन खुशबू परी की पिटाई करने लगता है। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तभी कंगना परी खुशबू के पर्स से झुमके निकाल लेती है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे ठहर जा कंगना, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये महल जाकर रानी परी से हमारी शिकायत कर देगी। तू तो जानती है रानी परी कितनी सख्त है, वो हमें हमेशा के लिए जेल में बंद करवा देगी। इसलिए हमें इस परी को ठिकाने लगाना होगा ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ ना बता सके। फिर कंगना और उसकी सहेली खुशबू परी के हाथ पैर बांधकर उसे पृथ्वी के घने जंगल में ले जाती हैं। चल इसे जंगल में छोड़ देते हैं, थोड़ी ही देर में यहाँ का कोई जंगली जानवर इसे मार कर खा जाएगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है। अच्छा तो तुम दोनों इस मासूम परी के जान लेना चाहते हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी कंगना परी और उसकी सहेली अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। लेकिन जादूगरनी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो उसी वक्त अपने मंत्रों की शक्ति से पेड़ पर उल्टा लटका देती है। उसके बाद जादूगरनी खुशबू परी को आजाद कर देती है। तुम दोनों को झुमके पहनने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दोनों जिंदगी में कभी झुमके नहीं पहन सकोगे। इतना कहकर खुशबू परी उन दोनों के कान काट लेती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे कंगना की बच्ची, तेरे चक्कर में पड़कर मेरे कान भी कट गए, तेरी वजह से मैं बदसूरत बन गई, आज के बाद मैं तुझे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। इन दोनों को इनके किए की सजा मिल गई है, अब तुम आराम से अपने घर जाओ।
उसके बाद जादूगरनी खुशबू परी को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठाकर उसे परी देश भेज देती है। फिर कुछ दिनों बाद खुशबू परी की शादी का दिन आ जाता है। खुशबू परी जादुई झुमकों को पहनकर खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। फिर शादी करके खुशबू परी हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में सुनीता और अनीता नाम की दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थी। सुनीता बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन अनीता को बाहर इंसानों के बीच जाकर घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने आप को एक सुंदर लड़की के रूप में बदलकर इंसानों की बस्ती में घूमने जाया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजेश नाम के एक लड़के से होती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो वो अनीता पर बहुत नाराज होती है। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं, इस तरह इंसानों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। याद है ना, मरने से पहले हमारी माँ ने हमें इंसानों से दूर रहने की हिदायत दी थी और तू है कि उस राजेश नाम के लड़के से दोस्ती कर बैठी। देख सुनीता, तू अपने काम से काम रख, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। क्या सही है और क्या गलत मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए दोबारा मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना। इतना कह कर अनीता अपने आप को सुंदर लड़की के रूप में बदलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनीता सारा दिन राजेश के साथ यहां वहां घूमा करती थी। फिर एक दिन, अनीता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं राजेश, भला मुझे क्या एतराज होगा, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक असलियत बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने छुपा कर रखी है। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे छुपा कर रखी है? दरअसल मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, पास के जंगल में मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। मुझे पता है अब मेरी असलियत जानने के बाद तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अरे नहीं अनीता, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। राजेश की बात सुनकर अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं तुम्हें कल अपनी बहन से मिलाने ले चलती हूँ। फिर अगले दिन अनीता राजेश को अपने घर ले जाती है। अनीता के साथ राजेश को देख सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजेश अपनी मीठी मीठी बातों से सुनीता को मना लेता है। चलो अनीता, हम दोनों सगाई कर लेते हैं। इतना कहकर राजेश अपनी झोली से मिठाई का डब्बा निकालकर दोनों बहनों के सामने रख देता है। मेरी माँ ने कहा था कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें मिठाई खानी चाहिए। फिर राजेश दोनों बहनों को एक एक मिठाई दे देता है, लेकिन मिठाई खाते ही अचानक दोनों बहनों को बिजली के झटके लगने लगते हैं और अगले ही पल वो दोनों रस्सियों से बंध जाती हैं। इससे पहले कि दोनों बहनें कुछ समझ पाती, राजेश एक खतरनाक तांत्रिक के रूप में बदल जाता है। आखिरकार मैं तुम दोनों नागिन बहनों के घर में पहुँच ही गया। मैंने जादुई नागमणि हासिल करने के लिए यह चाल चली थी, अब मैं यहाँ से तुम दोनों की जादुई नागमणि लेकर चला जाऊंगा और सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनकर इस दुनिया पर राज करूंगा। अरे नहीं, ये तो एक धोखेबाज तांत्रिक निकला। देख अनीता, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि इंसानों से दोस्ती करना ठीक नहीं है, तेरी इस गलती से आज हम दोनों मुसीबत में फंस गए। राजेश उनके घर में रखे नागमणि के बक्से को खोल देता है, तभी वो देखता है कि उनके अंदर से बहुत ही सुंदर चमकदार नागमणि रखी हुई थी। चलो नागमणि, अब मेरे कब्जे में आने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर राजेश उस जादुई नागमणि को उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक नागमणि से तेज रोशनी निकलती है और राजेश के शरीर में आग लग जाती है।
ये देख राजेश घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? राजेश उस नागमणि को जमीन पर पटक कर झटपटाने लगता है। अरे बेवकूफ तांत्रिक, इस जादुई नागमणि को उठाने से पहले एक मंत्र पढ़ना पड़ता है जो सिर्फ हम दोनों बहनों को पता है। तू अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था ना, लेकिन तेरी इस बेवकूफी तुझे मौत के मुंह में ले गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू इसी तरह जलकर मरेगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तेरे जैसे धोखेबाज की यही सजा है, हम तुझे नहीं बचाने वाले। इस तरह देखते ही देखते वो तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। तांत्रिक के मरते ही दोनों बहनें रस्सियों से आजाद हो जाती हैं। उस दिन की गलती से सबक लेकर अनीता पूरी तरह सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो नागिन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए, वरना हमारी एक गलती हमें मुसीबत में डाल सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब प्रेग्नेंट बहन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रेग्नेंट बहन की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में राधा और सपना नाम की दो बहनें रहती थी। उन दोनों की शादी एक ही घर में अजय और विजय नाम के दो भाइयों से हुई थी। राधा एक सीधी सादी लड़की थी, जबकि सपना बहुत ही तेज तरार थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा करती थी। फिर कुछ दिनों बाद राधा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात सपना और राधा की सास कमला देवी को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। बहू, अब तुम्हें हर वक्त अपना ख्याल रखना होगा, इसीलिए आज से तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, सारे काम सपना करेगी। फिर अगले दिन से कमला देवी राधा की खातिरदारी में लग जाती है और रोज राधा के खाने के लिए बाजार से ढेर सारी महंगी महंगी और अच्छी अच्छी चीजें लाने लगती है। राधा की खातिरदारी होते देख सपना को बहुत जलन होती है। ये राधा की बच्ची प्रेग्नेंट क्या हो गई, घर के सभी लोग इसे महारानी बनाकर रखते हैं। राधा की वजह से तो इस घर में मुझसे कोई पूछता नहीं और ये मेरी खड़ू सास घर के सारे काम मुझसे करवाती है। इस तरह से सपना अपनी बहन राधा से जरूरत से ज्यादा ही नफरत करने लगती है। दूसरी तरफ सपना डॉक्टर के पास जाकर कई बार अपना चेकअप करवाती है, लेकिन डॉक्टर उसे साफ तौर पर कह देते हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात से सपना जल भुनकर राख हो जाती है। फिर एक दिन कमला देवी राधा के लिए एक सोने का हार खरीद लाती है। राधा बहू, इसे जरा पहन कर तो दिखा। राधा फौरन हार लेकर अपने गले में पहन लेती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, जब मेरा पोता पैदा होगा तो मैं उसके लिए भी एक सोने की चेन बनवाऊंगी। तभी वहाँ सपना आ जाती है। अरे मम्मी जी, इस तरह बेकार में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे चुप कर, तू सास की खुशी नहीं जानती, जब तू प्रेग्नेंट होगी तब मैं तेरे लिए भी ऐसा ही सोने का हार खरीद कर लाऊंगी। चल अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, रसोई घर में जाकर बर्तन साफ कर ले, शाम को मैंने राधा की गोद भराई का प्रोग्राम रखा है, इसलिए हमारे घर पर बहुत सारी औरतें आने वाली हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम तुझे ही करना है। अपनी सास की बातें सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़बड़ करते हुए रसोई घर में चली जाती है।
फिर शाम को राधा की गोद भराई में आए हुए सभी औरतें राधा की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। देख लेना कमला, तेरा पोता भी तेरी बहू की तरह गोरा और सुंदर होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी राधा बहू इतनी सुंदर है तो मेरा पोता भी सुंदर ही होगा। दूसरी तरफ ये सब सुनकर सपना का माथा गर्म हो जाता है। बस बहुत हो गया, जिसे देखो वो राधा के गुण गा रहा है। ऐसा लगता है दुनिया में ये पहली लड़की है जो प्रेग्नेंट हो रही है। मुझे सपना का पत्ता साफ करना ही होगा, वरना एक दिन मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। फिर रात होते ही सपना राधा के कमरे के सामने वाली सीढ़ी पर ढेर सारा तेल छिड़क देती है। अब मजा आएगा, सवेरे राधा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरेगी तो इस तेल से उसका पैर फिसल जाएगा और वह नीचे जा गिरेगी। फिर राधा के साथ साथ उसका बच्चा भी खत्म हो जाएगा। इस घर से राधा नाम का सरदर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना कहकर सपना अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन करीब आधी रात को सपना के कमरे में एक चोर घुसकर उसके सारे गहने चुरा लेता है। लेकिन तभी अचानक सपना नींद से जाग जाती है। सपना को देख चोर वहां से भाग निकलता है। सपना जोर जोर से चिल्लाते हुए चोर का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर सीढ़ियों पर पड़े तेल पर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सपना के हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर थोड़ी देर में घर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बहू ये क्या हो गया? तभी कमला देवी देखती है कि सीढ़ियों पर तेल बिखरा पड़ा है। अरे सीढ़ी पर इतना सारा तेल कहां से आया? बेचारी मेरी बहू के हाथ पैर टूट गए। ये सुनकर सपना जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मेरी बुरे कर्मों का फल है। मैंने राधा को नुकसान पहुंचाने के लिए सीढ़ियों पर तेल बिखरा था, लेकिन मैं ही उस तेल पर फिसल कर नीचे गिर गई और मेरे हाथ पैर टूट गए। सपना की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होते देख सभी उसे माफ कर देते हैं। फिर अगले दिन से सपना पूरी तरह सुधर जाती है और दोबारा कभी अपनी बहन राधा से ईर्ष्या नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों प्रेग्नेंट बहन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों के खुशी देखकर नहीं जलना चाहिए और ना ही कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो पोटी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो पोटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सुरभि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन सुरभि अपनी माँ के साथ शहर के बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी उसे जानवरों की दुकान में दो बिल्लियां दिखाई देती हैं। उन दोनों की आंखें चमक रही थी। अरे ये दोनों बिल्लियां तो बहुत ही सुंदर हैं। सुनो माँ, इन दोनों बिल्लियों को खरीदना चाहती हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैं अभी ये दोनों बिल्लियां खरीद कर तुम्हें दे देती हूँ। फिर सुरभि की माँ दुकानदार को पैसे देकर वो दोनों बिल्लियां खरीद लेती है। ये देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उन दोनों बिल्लियों को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर रात के 12 बजते ही दोनों बिल्लियां अपने आप हवा में उड़कर गांव के पास वाले कुएं पर पहुंच जाती है और दोनों उस कुएं के अंदर पॉटी करना शुरू कर देती हैं। पहली बिल्ली की पॉटी कुएं में गिरते ही सोने में बदल जाती है और दूसरी बिल्ली हीरे में बदल जाती है। उसके बाद वो दोनों बिल्लियां फिर से हवा में उड़कर वापस सुरभि के घर पहुंच जाती हैं। इस तरह ये रोज की बात हो जाती है, लेकिन इस बारे में सुरभि को कोई खबर नहीं होती। पर एक दिन अचानक सुरभि के पड़ोस में रहने वाली मीना नाम की लड़की दोनों बिल्लियों को हवा में उड़कर बाहर जाते हुए देख लेती है।
अरे ये सुरभि की दोनों बिल्लियां हवा में कैसे उड़ रही हैं? लगता है ये दोनों जादुई बिल्लियां हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर मीना दोनों बिल्लियों का पीछा करते हुए कुएं तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि दोनों बिल्लियां कुएं में पॉटी कर रही हैं। अरे ये दोनों बिल्लियां इतनी दूर कुएं में पॉटी करने क्यों आई हैं? फिर थोड़ी देर में पॉटी करके दोनों बिल्लियां वापस सुरभि के घर चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद मीना कुएं के अंदर झांक कर देखती है। उसे कुएं के अंदर ढेर सारा सोना और हीरे दिखाई देते हैं। ये देख मीना खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सुरभि की दोनों बिल्लियां जादुई पॉटी करती हैं। मैं अभी कुएं में उतरकर यहाँ से सारा सोना और हीरे निकाल लेती हूँ। फिर मीना उसी वक्त कुएं में उतर जाती है और वहाँ मौजूद सारा सोना और हीरे निकाल कर अपने घर ले जाती है। फिर अगली रात से मीना रोज कुएं से सोना और हीरे हासिल करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मीना के मन में लालच आ जाता है। रोज रोज थोड़ा सा सोना और एक हीरा पाकर मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं इन दोनों बिल्लियों को अपने कब्जे में ले लूं, तो मैं इन्हें ढेर सारा खाना खिलाकर इनसे ढेर सारी पॉटी करवा सकती हूँ। इस तरह मुझे रोज बहुत सारा सोना और हीरे हासिल होंगे। फिर अगली रात जब वो दोनों बिल्लियां कुएं में पॉटी कर रही थी कि तभी मीना उन दोनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती है और अपने घर ले जाती है। उसके बाद मीना उन दोनों बिल्लियों को अपनी अलमारी में बंद कर देती है। फिर अगली सुबह मीना ढेर सारा खाना उन दोनों के सामने रख देती है। चलो जल्दी जल्दी सारा खाना खाओ और ढेर सारी पॉटी करो। लेकिन वो दोनों बिल्लियां खाना खाने से इनकार कर देती हैं। ये देख मीना को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम दोनों सीधी तरह नहीं मानोगी, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कह कर मीना चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आती है और उन दोनों बिल्लियों के शरीर को जलाने लगती है। इस वजह से दोनों बिल्लियां तड़प कर रोने लगती हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अगर तुम दोनों ने जल्दी से ये खाना नहीं खाया तो मैं तुम दोनों के साथ इससे भी बुरा सुलक करूंगी। लेकिन मीना के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों बिल्लियां खाने को नहीं छूती। ये देख मीना अपना आपा खो देती है और बड़ा सा चक्कू निकाल कर दोनों बिल्लियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ सुरभि आ जाती है। सुरभि के साथ बहुत सारे गांव वाले भी थे। ये देख मीना घबरा जाती है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है, अगर तूने मेरी बिल्लियों को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इतना कहकर सुरभि मीना को एक जोरदार तमाचा मारती है और उसके हाथ से चक्कू छीन लेती है। उसके बाद सुरभि मीना के घर में रखा सारा सोना और हीरे गाँव वालों में बांट देती है। फिर अगली रात से सुरभि उन दोनों बिल्लियों की जादुई पॉटी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उससे बने सोने और हीरे का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सोना और हीरे गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देती है। इस तरह सुरभि बिल्लियों की जादुई पॉटियों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो पॉटी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और सुरभि की तरह निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई लिपस्टिक के खेत की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई लिपस्टिक के खेत की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में राधिका नाम की एक अंधी लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन कामिनी के साथ रहती थी। राधिका बहुत ही मेहनती थी, इसीलिए अंधे होने के बावजूद वो सड़क के किनारे खिलौने बेचकर कमाया करती थी। राधिका सिर्फ अपने खाने के लिए पैसे बचाकर बाकी पैसे बैंक में जमा कर देती। फिर एक दिन राधिका अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम बनाने का फैसला करती है।
ताकि सभी अनाथ बच्चे एक आरामदायक जिंदगी जी सकें। राधिका बैंक से अपने सारे पैसे निकालकर घर ले आती है। जब इस बात का पता कामिनी को चलता है तो उसकी मन में लालच आ जाता है। अरे ये राधिका तो एक नंबर की बेवकूफ है, अपने सारी कमाई से अनाथ आश्रम बनाना चाहती है। मैं आज रात को उसके सारे पैसे चुरा लूंगी। फिर रात होते ही कामिनी राधिका के कमरे में दाखिल होकर अलमारी से सारे पैसे चुरा कर अपने कमरे में छुपा देती है और उसके बाद झूठ मूठ जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करने लगती है। चोर चोर, अरे वो देखो चोर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। तभी कामिनी की आवाज सुनकर राधिका नींद से जाग जाती है। क्या हुआ कामिनी, कहाँ है चोर? अरे राधिका, अभी अभी तुम्हारे कमरे में एक चोर घुसा था जो तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। ये सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे सालों की कमाई वो चोर लेकर गया, अब मैं क्या करूं? इस तरह दुखी होकर राधिका रोने लगती है। दूसरी तरफ कामिनी मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने सारे पैसे चोरी हो जाने की वजह से राधिका उदास रहने लगती है। फिर एक दिन राधिका शहर से खिलौने खरीदकर गांव लौट रही थी, तभी रास्ते में वो बेहोश पड़ी एक परी से टकरा जाती है। अरे नहीं, ये रास्ते में कौन गिरा पड़ा है? राधिका उस परी के चेहरे को हाथ लगाकर देखती है। अरे नहीं, ये तो एक लड़की है, लगता है ये पूरी तरह बेहोश है। राधिका फौरन परी के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है, लेकिन अगले ही पल वो परी फिर से बेहोश हो जाती है। लगता है ये बहुत ज्यादा बीमार है, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। इतना कहकर राधिका उस परी को उठाकर अपने घर ले जाती है और एक डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगती है। फिर लगभग 2 दिनों तक बेहोश रहने के बाद आखिरकार उस परी को होश आ जाता है और वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन तुम कौन हो और उस खतरनाक जंगल में क्या कर रही थी? मैं एक परी हूँ, मैं पृथ्वी की सैर करने आई थी, लेकिन मैंने गलती से जंगल में मौजूद जहरीले पेड़ के फल खा लिए थे, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर परी अपनी शक्ति से राधिका की आंखों को ठीक कर देती है और उसे एक छोटी सी लिपस्टिक देते हुए कहती है, देखो ये जादुई लिपस्टिक का एक छोटा सा बीज है, इसे ले जाकर तुम अपने खेतों में बो दो। ठीक 1 महीने बाद तुम्हारे खेतों में जादुई लिपस्टिक के ढेर सारे पौधे उगाएंगे। जब भी तुम किसी एक लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाओगी तभी एक सोने की चिड़िया तुम्हारे सर पर आकर बैठ जाएगी। इस तरह हर एक लिपस्टिक तुम्हें एक सोने की चिड़िया देगी। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कामिनी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर अगले दिन राधिका खेतों में जाकर वो जादुई लिपस्टिक का बीज बो देती है और रोज वहां पानी डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। आज 1 महीना पूरा हो गया है, मैं रात को ही खेतों में जाकर जादुई लिपस्टिक के सारे पौधे तोड़ लाऊंगी। उसके बाद मैं सभी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर ढेर सारे सोने की चिड़िया हासिल कर लूंगी। इस तरह अपने मन में गलत इरादे लेकर कामिनी खेत में लगे जादुई लिपस्टिक के सारी फसल काटकर गुफा में ले जाती है। लेकिन कामिनी जैसे ही लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है कि तभी उसके सर पर एक बड़ा सा सांप आकर बैठ जाता है। ये देख कामिनी के होश उड़ जाते हैं। अरे मर गई रे, सोने की चिड़िया की जगह ये सांप कहाँ से आ गया, और कोई मुझे बचाओ। तभी कामिनी के होठों में मौजूद जादुई लिपस्टिक कहती है, तू एक बहुत बुरी लड़की है, अपनी अंधी बहन को धोखा देकर तू अमीर बनना चाहती है। लेकिन हम सिर्फ अच्छी लड़कियों के साथ देते हैं, इसीलिए अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से भाग जा, वरना ये सांप तुझे जिंदा निगल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह कामिनी डर के वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जादुई लिपस्टिक की सारी फसल हवा में उड़कर राधिका के पास पहुँच जाती है।
फिर राधिका एक एक कर उन सभी लिपस्टिकों को अपने होठों पर लगाकर उनसे ढेर सारी सोने की चिड़िया हासिल कर लेती है और उन्हें बेचकर गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाकर तैयार कर देती है और उस अनाथ आश्रम को सभी सुविधाओं के साथ परिपूर्ण कर देती है। इस तरह उस इलाके के सभी अनाथ बच्चे हंसी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई लिपस्टिक के खेत की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा राधिका की तरह निस्वार्थ भावना से दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोग सदा सुखी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।